देखिए, हम आपके सामने ऐसा इक्वेशन दिया है, इसको हल करना है। कैसे इसको हल किया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस पे वाई पावर दो बाई दो दो बटे थ्री माइनस टू वाई पर 1/3 इक्वल टू 15 है। तो यहाँ हम जो है इसको हल करने के लिए देखिए सोचते हैं किस प्रकार किया जाए। देखिए, हम बताते हैं आपको। ये वाई पावर यहाँ आप जो है 1/3 कर दीजिए और इसका ऊपर से होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यह 2/3 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। उसका प्रोसेस है वाई अपन 1/3 इक्वल टू 15। अब यहाँ क्या करेंगे, वाई 1/3 को मान लेते हैं के। अब जब के मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है ये और इजी हो जाता है। यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल टू 15, यानी के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, 15 है तो इसको दो ऐसा सोचेंगे कि 15 को जो है दो पार्ट में जो है करेंगे, गुणा करने पर जो है 15 आ जाए और यहाँ दो पार्ट जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, आप 5 में 15 हो जाएगा। ठीक, 5 में 3 जा के माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 3 के माइनस 15 इक्वल टू 0। अब के माइनस के कॉमन लेंगे, माइनस 5 3 के माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। के माइनस 5 और हो जाएगा यहाँ कॉमन हो जाएगा दोनों में से गुणनखंड की तरह। उसके बाद के माइनस 5 इक्वल टू 0 है, के इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब के का मान हमारे ऊपर क्या है, यहाँ रखेंगे इसको, समीकरण 1 दे दीजिए। तो यहाँ रखेंगे तो वाई अपान 1/3 इक्वल टू के का मान कितना है, 5। तो जब यहाँ क्या करेंगे, 3 हटाने लिए दोनों पक्षों का घन करेंगे। जब घन करेंगे, घन का मतलब ऐसे हो जाएगा 3, इधर भी 3 हो जाएगा। तो ये वाई अपान 3 हो जाएगा, ये 5 × 5 × 5 हो जाएगा, यानी वाई इस पर 3 से 3 ये कट जाएगा, 1 आएगा, 125 हो जाएगा, यानी वाई बराबर 125 आ गया। इसी प्रकार माइनस यहाँ के प्लस 3 इक्वल टू माइनस इक्वल टू 0 होगा तो के बराबर -3 आएगा। अब इसको यहाँ रखेंगे तो वाई अपान 1/3 है, -3 रखेंगे। अब इसका दोनों पक्षों का घन करेंगे तो वाई हो जाएगा यहाँ, ये -3/3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा वाई बराबर -3×9 = 27। इसका आंसर आ जाएगा शुद्ध रूप में 125 - 27। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिए और पढ़ते रहिए।